What's good, you guys? Welcome back, and I hope you're learning absolutely fine. आज हम लोग C major scale को पूरा complete करने वाले C major on first position, on second and third position, on different octaves. बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं. So let's begin with the C major first position. उसे मैं एक बार play करता हूँ. नोट्स को स्पेल करके प्ले करूंगा, उसके बाद आप लोगों को मैं सिखाना स्टार्ट करूंगा. लेट्स बिगिन. ये था सी मेजर फर्स्ट पोजीशन से, तो इसे सीखना स्टार्ट करते हैं. फिफ्थ स्ट्रिंग, थर्ड फ्रेट, रिंग फिंगर सी. Then 4th string open D. Then 4th string 2nd fret middle finger E. Then 4th string 3rd fret ring finger F. Then 3rd string open G. Then 3rd string 2nd fret middle finger A. Then 2nd string open B. Then 2nd string 1st fret C with the 1st finger. So again I repeat. 5th string, 3rd fret, ring finger, C. Then 4th string, open D. Then 4th string, 2nd fret, middle finger, E. 4th string, 3rd fret, ring finger, F. Then 3rd string, open G. Then 3rd string, 2nd fret, A. Then 2nd string, open B. Then 2nd string, 1st fret, C. This will be your C major on first position. ये था second position से. यहाँ पे हम लोग दो अलग अलग octave use कर रहे हैं, दो अलग अलग octave use कर रहे हैं, लेकिन note similar है. Notes में कोई भी difference नहीं आता. Octave कहाँ change हो रहा है वो मैं दिखाता हूँ पहले. यहाँ से octave change हो रहा है. अब हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं. फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट मिडिल फिंगर, फिफ्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट लिटिल फिंगर, फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट फर्स्ट फिंगर, फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट मिडिल फिंगर, फोर्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट लिटिल फिंगर, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट फर्स्ट फिंगर, थर्ड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट रिंग फिंगर, देन थर्ड स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट इंडेक्स फिंगर, मतलब कि फर्स्ट फिंगर. उसके बाद हम लोग थर्ड स्ट्रिंग सेवेंथ फ्रेट थर्ड फिंगर यानी कि रिंग फिंगर, देन सेकंड स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट फर्स्ट फिंगर, देन सेकंड स्ट्रिंग सिक्स्थ फ्रेट मिडिल फिंगर, देन सेकंड स्ट्रिंग एट्थ फ्रेट लिटिल फिंगर, देन सेकंड फर्स्ट स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट इंडेक्स फिंगर, देन फर्स्ट स्ट्रिंग सेवेंथ फ्रेट रिंग फिंगर, देन फर्स्ट स्ट्रिंग एट्थ फ्रेट लिटिल फिंगर. ये था सेकंड पोजीशन. हम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में जिस फिंगरिंग से जाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर जब हम लोग बैक आ रहे हैं वो सेम फिंगरिंग यूज करके हम लोग बैक आना है. एक बार देख लीजिए स्लो मोशन में. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड पोजीशन से कैसे प्ले करें. थर्ड पोजीशन हम लोग का स्टार्ट होता है यहाँ से. मैं पहले प्ले करता हूँ फिर आप लोगों को दिखाऊंगा. स्टार्ट करते हैं. अब कहाँ पे ऑक्टेव चेंज हो रहा है वो पहले देखिए. यहाँ से चेंज हो रहा है इस जगह से. अब सीखना स्टार्ट करते हैं. हम लोग स्टार्ट करना है एट्थ फ्रेट से मिडिल फिंगर, सिक्स स्ट्रिंग एट्थ फ्रेट मिडिल फिंगर, देन टेंथ फ्रेट मतलब कि सिक्स स्ट्रिंग टेंथ फ्रेट लिटिल फिंगर,
then 5th string 7th fret 1st finger, then 5th string 8th fret middle finger, then 5th string 10th fret little finger, then 4th string 7th fret 1st finger, then 4th string 9th fret 3rd finger, then 4th string 10th fret little finger, then 3rd string 7th fret 1st finger, then 3rd string 9th fret ring finger, then 3rd string 10th fret little finger, 3rd string 8th fret middle finger, 2nd string 8th fret middle finger, then 2nd string 10th fret little finger, then 2nd string 1st string 7th fret index finger, then 1st string 8th fret middle finger. और एक एडिशनल नोट ये लगता है जो कि इस स्केल के नोट के अंदर ही है, ये बजता है डी नोट, ये डी नोट बजता है. आप लोग इसको ऐड कर भी सकते हैं, नहीं भी ऐड कर सकते. तो ये मैं एक बार प्ले करता हूँ स्लो मोशन में, आप लोग देखिए ध्यान से. और थोड़ा स्लो, इसे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है. जो क्रोमैटिक स्केल्स मैंने पहले चैप्टर में बता दिया, दूसरे चैप्टर और पहले चैप्टर दोनों में मैंने बताया था, वो सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद ही आप लोगों को इसमें जंप इन करना है. इसमें हाथ सेट हो जाए तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए. उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा. पसंद आए तो लाइक करिए, और नए तो सब्सक्राइब करिए और हमारे फैमिली मेंबर बनिए. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.